NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जल जमाव के कारण पटना में जगह जगह पानी जल जमाव हो चुका है और ये बारिश के कारण लगातार रविवार से बारिश हो रही है, जिसके कारण पटना के जगह जगह गली गली में जल जमाव हो चुका है, जिससे कि काफ़ी परेशानी हो रही है आम इंसान को। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनको परेशानी, उनके जब गलियों में क्या जल जमाव से क्या कुछ परेशानी हो रही है। पहले क्या नाम है आपका? राजीव रंजन सिन्हा। कहाँ रहते हैं आप? हनुमान नगर साकेतपुरी रोड नंबर 3। अच्छा, तो वहाँ पे क्या कुछ समस्या है जल जमाव के कारण? वहाँ पे मेरे घर के पास प्रॉब्लम है, पूरा घर का मतलब रास्ता ही ख़त्म हो चुका है और वो सिर्फ बिल्डर अपना मॉल खड़ा करने के चक्कर में ये मेरा हम लोग का घर ही ब्लॉक कर दिया है। अच्छा, अब वो ना तो आज तो पैदल हम लोग ऑफिस जा रहे हैं और गाड़ी भी घर पे पूरा लॉक है, मतलब गाड़ी वहाँ से नहीं निकल पा रही है। गाड़ी नहीं निकल पा रहा है, पोल पूरा गिर चुका है, गली मतलब है ही नहीं। अब वो घर गिरने पड़ है। तो इसके लिए कंप्लेन नहीं किया आप लोगों ने? कंप्लेन किए हैं, नगर निगम में कंप्लेन किए हैं, 2-8 पिछले मतलब फरवरी को ही कंप्लेन किए हैं, बट वो अब इकोनॉमिक मजबूत है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। हम वार्ड पार्षद वगैरह से आप लोग सारा कुछ कर लिए हैं, नगर निगम, वार्ड पार्षद, 44 नंबर हम लोग का वार्ड नंबर है, वहाँ सबको कंप्लेन कर चुके हैं लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और वो 2 दिन का टाइम लिया गया है कि 2 दिन में कंप्लीट करके हम लोग को देंगे, लेकिन वो कहाँ से देंगे? 2 दिन में कोई रास्ता तो बनता नहीं है, वो भी बिना नींव का हवा में दीवाल थोड़ी ना टंगता है। सालों नहीं होता है, बारिश होती है तो 2 दिन में करने के लिए दावा करते हैं। एकदम 2 दिन का वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि 2 दिन में हम कंप्लीट। आप कहाँ के रहने वाले? हम इंदिरा नगर से, पोस्टल पार्क इंदिरा नगर रोड नंबर 8 से हैं और वहाँ पे आप जब जाइएगा तो देखिएगा जल जमाव का इतना ज़्यादा समस्या है कि घुटना भर पानी हो गया है। हम अभी ऑफिस से हमको आना था, आप देख सकते हैं हम फॉर्मल में है नहीं, क्योंकि घुटना भर पानी है और उसमें आप कैसे फॉर्मल पहन के, मैंने आप समझिए कि हाफ पैंट पहन के आपको आना पड़ेगा क्योंकि घुटना भर पानी आप समझ सकते हैं, तो इतना ज़्यादा है। और सब दिन आप देखिएगा, आप मतलब पूरे साल काम होता नहीं है और इस समय रोड बनाने का, नाला साफ करने का, अभी जब वो है ना कि प्यास लगेगा तो कुइयां खोदेंगे, वो वाली बात है। बिल्कुल, तो वही है, तब तो सरकार को कम से कम वो नाला जो नहीं कर पा रही है पानी। आपने कहाँ कहाँ इसके लिए नगर निगम को कंप्लेंट वहाँ पे दिया या फिर वार्ड पार्षद को इसके लिए इतला किया? देखिए अभी क्या, हम लोग आम पब्लिक हैं, हम लोग का लाइफ इतना बिजी, एक तो ऑफिस में और हम रेंटर हैं वहाँ के, प्रॉपर वहाँ का वो नहीं है, तो जो मेरे गली का जो है बुजुर्ग लोग हैं वो लोग कॉन्टेक्ट जरूर किए हैं पर उसका कोई फायदा दिखता नहीं है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? हम वैशाली के रहने वाले, हाजीपुर के। अच्छा, हाजीपुर। उधर पानी, ये बारिश की वजह से जल जमाव हुआ है? जी, जल जमाव तो पूरे बिहार में जहाँ भी हम देखते हैं जल जमाव तो है ही। इससे आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याओं के सामना, जिनके पास 4-व्हीलर गाड़ी है उन्हीं को सिर्फ थोड़ा बहुत समस्या कम है, नहीं तो या तो बाइक वाले हों या फिर पैदल चलने वाले हों या यात्री जो सवारी है उससे चलने वाले, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अभी बरसात शुरुआती बरसात ही हुई है, अभी पूरा बरसात बाकी है। अच्छा, स्मार्ट सिटी की बात करती है सरकार, तो क्या लगता है आपको पटना जो स्मार्ट सिटी होते हुए दिख रहा है क्या? ना ही पटना दिख रहा है, हम मुजफ्फरपुर भी देखे हैं, मुजफ्फरपुर में भी इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति खराब है वहाँ पर, तो स्मार्ट सिटी अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। कम से कम ऐसे ही जो होना चाहिए, जनरली जो साफ सुथरा होना चाहिए वो भी दिख नहीं रहा है, तो स्मार्ट सिटी की कल्पना तो हम लोग करना ही बेईमानी समझते हैं। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि जल जमाव हो रहा है, जगह जगह कूड़े भी बिखरे पड़े हैं, तो किस तरह से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि स्मार्ट सिटी की कल्पना भी की जा सकती है। कहाँ से हैं भाई साहब आप? नहीं बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे अंकल जी हैं, अंकल जी कहाँ से हैं आप? हम पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से? हाँ। बारिश हो रही है तो अभी कब आए पूर्णिया से यहाँ? पूर्णिया ही रहते हैं। यही रहते हैं? हाँ। यहाँ पे कहाँ रहते हैं? भूतनाथ में। भूतनाथ? हाँ। तो अभी बारिश हो रही है, इसकी वजह से जल जमाव हुआ है क्या आपके? हाँ, जल जमाव हुआ है कि खूब हुआ है। तो क्या 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 परेशानी हो रही है उससे? परेशानी हो रही है, गाड़ी कहीं चल जाता है पानी में, गिरने का डर रहता है, एक्सीडेंट का डर रहता है ना, ट्रैफिक में प्रॉब्लम होता है, गाड़ी नहीं निकलती है स्मूथली।
तो अपनी समस्याओं को बताया आपने वहाँ पे जो भी वार्ड पार्षद है आपके या नगर निगम जो जिम्मेदार लोग हैं? नहीं बताए हैं, तो वार्ड मेंबर तो लोकल होते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है पानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने दिन से पानी भी वहाँ पे लगा हुआ है? पानी 3-4-5 दिन से है। अच्छा, कोई उसका कोई निदान नहीं निकाल रहा है, सॉल्यूशन कहाँ ध्यान देने के लिए लोग। तो सुना आपने कि किस तरह से आम इंसान को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इससे नगर निगम को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उस इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं यानी कि वार्ड पार्षद है, उन्हें भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें उनके जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं जो हमें यहाँ मिलते हैं। आइए, कैमरा से कहूँगा आगे आइए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? नवतपुर। जी, नवतपुर पटना में ही? नवतपुर। हाँ, पटना में। अच्छा, ये बारिश हो रही है, जल जमाव की समस्या हो रही है क्या आपके यहाँ? नहीं, कोई जल जमाव की समस्या नहीं है। तो चलिए, पहली बार कोई मिला जिनके यहाँ जल जमाव की समस्या नहीं है। अब आगे और लोगों से पूछते हैं। आई एन से पूछते हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, कहाँ रहते हैं भाई साहब आप? सिपारा। ये पट्टा में ही पड़ता है सिपारा? अच्छा, तो वहाँ पे जल जमाव हुआ है क्या बारिश की वजह से? नहीं हुआ है? नहीं। चलिए, दूसरे लोग मिले, क्या नाम है आपका? जी, प्रिंस कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं पटना में? बाजार समिति केला मंडी में रहता हूँ। अच्छा, क्या कुछ जल जमाव की समस्या हुई है क्या वहाँ पे? वहाँ पे तो बहुत स्टूडेंट को परेशानी होती है, घुटनों पर पानी में जाकर क्लास जाना पड़ता है, और वहाँ पे निगम कुछ कर ही नहीं पा रही है, वहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है। अच्छा, तो निकलने में बहुत परेशानी होती है? बहुत, इतना कमर तक भी पानी, क्लासेस भी नहीं जा पाते बच्चे। अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे पानी भर जाने के कारण से। तो बाजार समिति की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं, क्लासेस वहाँ चलते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। लगातार हम कई दिनों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से बारिश के पानी की वजह से जल जमा हो चुका है, और इससे काफ़ी समस्या हो रही है, वो बात छात्र छात्राओं की हो या फिर आम इंसान जो कि डेली अपने कार्यालय जाता है काम करने के लिए, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए। पटना, हम बक्सर का रहे हैं, बक्सर जिला। यहाँ कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पुराना सचिवालय। अच्छा, जल जमाव की समस्या है वहाँ पे? वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है? चलिए, चोरी है, जल जमाव की समस्या है आपके यहाँ? ना, अभी तो ना है, पानी जमा है उधर, अभी तो मौसम सूखा है तो धरती में उतना चल जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब वहाँ पे जहाँ ही रहते हैं वहाँ जल जमाव की समस्या नहीं है। और लोगों से बात करेंगे, आइए चलते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अंकित नाम है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पर इंद्रपुरी रोड नंबर 14। अच्छा, बारिश हो रही है, जल जमाव की समस्या है क्या आपकी गली? बहुत दिक्कत है, सुबह सुबह कोचिंग में दिक्कत होता है जाने में, अभी आ रहे हैं, अभी जाएंगे तो पूरा पैंट भींग जाता है। अच्छा, कितने दिन से पानी लगा हुआ है? 3-4 दिन हो गया ना, ऊपर ही हो गया सर। अच्छा, इसका कोई निदान नहीं निकाला जा रहा? अभी कहाँ कोई सोल्यूशन निकाल रहा कोई। अच्छा अच्छा, आपका नाम? अभिषेक भारद्वाज। भारद्वाज जी, आप कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं, रोड नंबर 14। अच्छा अच्छा, वहाँ भी पानी की समस्या है? पानी की समस्या। और गोलगप्पा बेच रहे हैं, आपका क्या नाम है? चंद्रराज सहनी। कहाँ रहते हैं? इंद्रपुरी। यहीं पे 14 में? तब तो अच्छा, वहाँ पे है पानी जमा हुआ? पूरा पानी लगा हुआ, घर में भी पानी घुसा। तो बोले नहीं नगर निगम को? वहाँ पर तो बहुत सारा ठेला लाने में दिक्कत नहीं होता है? होता है दिक्कत। अच्छा, तो ठेला लाने में दिक्कत होता है, व्यवसाय भी एक तरह से सही से नहीं हो पा रहा है। चलिए, दुकान के पास चलते हैं, उनके पास पानी ज़्यादा जमा। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। सतीश जी, कहाँ दुकान है आपका? वो सामने दुकान है पेंट की मेरी। अच्छा, ये पेंट वाली दुकान। तो कुछ समस्या होती है, जल जम गया है यहाँ पे, तो कुछ समस्या होती है इससे? बहुत सारी समस्या है, जल जमने से हमारे यहाँ कस्टमर नहीं आ रहे हैं, और बहुत सी परेशानी हो रही है, रोड लोगों को चलने में बहुत कठिनाई हो रही है। अच्छा, और भी कस्टमर, ग्राहक कम आते हैं? बहुत कम आते हैं, कहाँ आते ही नहीं है। तो इसके लिए कंप्लेन नहीं किए आप नगर निगम से? इनको नगर निगम वाले कोई आदमी आए तो ना कंप्लेन करे, कहाँ कंप्लेन जाए, ऑफिस में? हाँ, ऑफिस में जाकर कंप्लेन करना चाहिए। अच्छा, ऑफिस में जाकर हम कंप्लेन करेंगे? अच्छा। कोई लोग सुनते ही नहीं है, ऑफिस में जाएंगे यहाँ पर जो बात पार्षद है वो भी नहीं आते हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पर आकर देखे, लेकिन वो भी नहीं आते हैं देखने। अच्छा, कितने दिन से पानी जमा हुआ है यहाँ पे? एक सप्ताह से जमा हुआ पानी। अच्छा, एक सप्ताह से जमा हुआ है? ये गड्ढा ही कहाँ खोदा गया? गड्ढा रोड वाले खंदे हुए हैं, लेकिन इनको रोड बनाने वाले ये लोग नाला बंद किए हुए हैं, जिसके कारण पानी जम जाती है। अच्छा अच्छा, कैमरामैन ये दिखाइए जो गड्ढा खोदा गया, पानी जो जम गया है, तो इससे बच्चे गिरने की समस्या नहीं है? बहुत सारी समस्या है, किन्हीं के भी जान जा सकती है, चुका है इसमें। अच्छा, गिरवे करता है, आगे भी गिरा है, वो आगे भी गिर गया है, इसमें भी गाड़ी गिरती रहती है, रोड नंबर 4 के पास गिरा है बच्चा सहित गाड़ी। अच्छा, गडर में इस साइड बहुत सारी समस्या, वहाँ भी है दुकानदार 3-4, वहाँ भी जाके
कुछ। चलिए, तो अभी आपने सुना, हमने बात की यहाँ पे जो व्यवसाय करते हैं, जिनका दुकान है, वो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं इन सब चीज़ों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमरेश प्रसाद। अच्छा, यही रहते हैं? हाँ, सामने दुकान है मेरा। किसकी दुकान है आपकी? सामने नाश्ता का दुकान है। अच्छा, लक्ष्मी होटल। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या ग्राहक कम आते हैं जल जमने से यहाँ पे? कहाँ आते हैं ग्राहक, तो अभी नहीं करते हैं यहाँ, तो हम लोग इंतजार करते रहते हैं बैठ के कि अब आवे ग्राहक। अब पानी को सही रहता है कि मतलब ये पानी जमने की वजह से हुआ है? पानी जमने की वजह से ऐसा हुआ है, ये नाला वगैरह जाम हो गया ना, भरा गया, इसी वजह से ऐसा हो गया दिक्कत। अच्छा अच्छा, तो मतलब बताया नहीं नगर निगम को जाके, कम्प्लेन नहीं किए? क्या कम्प्लेन, उन लोग सुनता है, पड्डे गुजरता है तो देखता है। ऐसा थोड़े ना कि बिहार में नगर निगम नहीं आ रहा है, पड्डे का पहले नाला का पहले व्यवस्था कर देना चाहिए, तब अपना रोड बनाना चाहिए तो बढ़िया रहेगा। अब उसके चलते हम लोग का दिक्कत कितना हो रहा है, यहाँ का मकान मालिक सब कान में रुआ डाल के पड़ा हुआ है, यहाँ हम लोग रेंटर हैं। अच्छा, हम लोग रेंटर है, रेंटर कितना बोलेगा, मकान मालिक का कोई दिखते नहीं बुझा रहा, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, साधारण व्यक्ति समझ में नहीं करता कोई। तो इनका कहना है कि पहले जब ये गड्ढे खोदे गए थे तब उनको पहले सोचना चाहिए था कि किस तरह से ये जब जल जमाव होगा किस तरह से निकलेगा, नाले का सबसे पहले प्रबंध करना चाहिए था। इसकी वजह से आम जनता को कितनी परेशानी हो रही है, इसका जो एक अंदाज़ा है वो शायद नगर निगम नहीं लगा पा रहा है, या फिर उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कैसे गलियों में जल जमाव के कारण, आपको दिखा दें कि यहाँ पे कई जगह नाले खुले हुए हैं और यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है जेसीबी लगा के, जिससे कि आने जाने में लोगों को परेशानी भी हो रही है। देखिए गाड़ियाँ कैसे आगे से निकल रही है, उनको जाना था इस साइड पे लेकिन इस साइड नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जेसीबी लगा दिया गया है और सड़क को जाम कर दिया गया है। अच्छा, यही रहने वाले हैं? यही रहने वाले हैं। क्या समस्या हो रही है जल जमाव से? बस यही देख रहे हैं, कोई सरकार का ध्यान नहीं है। क्या ध्यान है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, नगर निगम तो अभी पानी निकाल रही है, नाले खोद क्या निकाल रही है, इसे परेश का व्यवस्था करना चाहिए ना। आज व्यवस्था करने से क्या फायदा, जब मान लीजिए बाढ़ आ जाए फिर व्यवस्था करेंगे तो फायदा क्या उससे होगा? मतलब हमेशा सोई रहती है, फिर जैसे ही जल जमाव हुआ समय नींद सबका खुलता है। से पानी लगा हुआ है यहाँ पे? ये दो तीन जब से पानी हो रहा है तब से पानी लगा हुआ है। अच्छा, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि पानी यहाँ निकाला जाए? हर एक साल यही हाल है। अच्छा, हर एक साल यही हाल है। चलिए, तो आपने सुना कि किस तरह से जल जमाव की समस्या यहाँ पे हो रही है, हमने बात की यहाँ पे स्थानीय लोग से और देख सकते हैं आप कैसे गाड़ियों से आने में भी समस्या हो रही है। लोग बहुत मुश्किल से इस रास्ते से निकल पा रहे हैं क्योंकि जल जमाव हो चुका है बारिश के कारण, और गिरने से भी, इनका कहना है कि गिरने से भी बच जाते हैं। कई जगह गड्ढे मिलते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि कहाँ पे गड्ढा है, और ख़ासकर जब नाले खोल दिए गए हैं तो ये भी पता लगाना मुश्किल है कि नाले कहाँ खोले गए हैं, हो सकता है वहाँ एक हादसा देखने को भी मिल सकता है इस तरह की चीज़ों से। तो एक बड़ा सवाल है नगर निगम के ऊपर कि क्या उनकी जो ये व्यवस्था है, उनका जो काम करने का ये तरीका है, कितना सही है, और इससे आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, नमस्कार। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।